दिस इज राजकुमार यादव। आज मैं क्लास 9 के लिए आपके लिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ला रहा हूं और उस पे हम बात करेंगे आज। तो लेट्स सी, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में एक साथ लिखूंगा पर कुछ बेसिक, जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर जो a टू द पावर a को a से मल्टीप्लाई करूं तो आपने बताया कि a स्क्वायर होता है, सबको पता है ये बात। अगर जो मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूं तो आप कहोगे a क्यूब हो जाएगा, इसका मतलब ये पावर ऐड हो रही है 1 और 1। अगर जो मैं a की पावर 2 और a की पावर 3 लिखूंगा तो a को 2 बार लिखूंगा और a को 3 टाइम्स लिखेंगे, है ना। तो आप देखोगे कि 2 का मतलब ये 2 बार लिखना, 3 का मतलब ये, और इन दोनों को अगर जो मैं 1 1 1 1 पावर करूं तो a टू द पावर 5 हो गया अकॉर्डिंग टू दिस। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, कि जब भी पावर को आप सॉल्व करें a2 और a3 को, a2 प्लस 3 हो जाता है। इससे एक रूल निकल के आता है फ्रेंड्स कि अगर जो वी हैव बीन गिवन a टू द पावर m एंड a टू द पावर n, तो ये पहला रूल निकल के आता है कि इनकी पावर अगर ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, a टू द पावर m प्लस n हो जाएगा। सिमिलरली वी कैन हैव डिवीजन में अगर जो है तो इट विल बी इन सबट्रैक्शन, a टू द पावर m माइनस n हो जाएगा। थर्ड अगर जो a की पावर m की पावर n है तो a टू द पावर mn हो जाएगा, और अगर जो मैं आपसे कहूं माइनस पावर में है तो 1 अपॉन a टू द पावर m हो जाएगा। इसी तरीके से अगर जो मैं 5 ये लिखूं a b टू द पावर m, तो इसका मतलब a टू द पावर m भी है और b टू द पावर m भी है। इसी तरीके से अगर जो मैं 6 नंबर पे a अपॉन b टू द पावर m लिखूं तो वी कैन हैव दिस, व्हाट इज a टू द पावर m भी हो जाएगा और b टू द पावर n भी हो जाएगा। इसी तरीके से अगर जो 7 लिखूं मैं, और वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको सॉर्ट्स के लिए कि m है और a की पावर m और यहां पर n है, तो we can have a to the power m upon n। जैसे अगर जो मैं आपसे कहूं कि यहां पर a की पावर 0 हो तो 1 होगा, यानी किसी की भी पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू 1 होगी हमेशा। इस तरीके से इंडिसेस को अगर जो मैं रूट में लूं, जैसे सपोज करो a into b है तो मैं इसे रूट a into रूट b लिख सकता हूं। इसी तरीके से अगर जो रूट a upon b हो तो रूट a अपॉन रूट b अलग अलग भी आप लिख सकते हो। तो ये सब प्रॉपर्टीज हैं जिनको आप यूज करोगे आने वाले टाइम में, और इसको आप एक और रूट लिख सकते हो, रूट a प्लस रूट b है और इसकी मल्टीप्लाई रूट a माइनस रूट b में करें, तो ये a प्लस b और a माइनस b, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो रूट a स्क्वायर माइनस रूट b स्क्वायर, इट मींस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सॉरी ये स्क्वायर से क्योंकि रूट खत्म हो जाएगा तो a माइनस b हो जाएगा। आप पर्टिकुलरली इसको आप ध्यान रखें कि अगर जो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में है तो उनका ये स्क्वायर अलग अलग लिख सकते हो। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं लॉ ऑफ जो एक्सपोनेंट है उनको आप यूज करेंगे तो यहाँ पर ये आपको फॉर्मूले कुछ सॉल्व करने को मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू गाइस। और ये मेरा जो चैनल है टाइम्स मैथमेटिक्स क्लासेस बाय आरके यादव, इसको आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको और भी इसमें नॉलेज आगे वीडियोस के थ्रू मिलते रहेंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर टुडे, थैंक यू।